परिसंघ का मतलब है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे इंडियन रेलवे सरकारी क्षेत्र में 3.5 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं पूरे देश में, भारतीय जीवन बीमा निगम में 31,000, स्टेट बैंक के 80,000, PNT में 1.5 लाख, ये सारे सरकारी जो विभाग हैं उनको मिला करके एक फेडरेशन कन्फेडरेशन बनाया गया है, जिसका नेटवर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और उसका बटन यहाँ रखा रहता है इसी हेडक्वार्टर पे। अगर हमें कोई भी आदेश देना है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो विद इन सेकेंड यहाँ हेडक्वार्टर से निकल जाती है और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो इसी महासंघ ने 1997 में एक महारैली की थी, जब आरक्षण विरोधी आदेश वापस करने का इशू आया था, इसमें करीब 25-30 हज़ार लोग पहली बार आए थे। उसके बाद में 1998 में दूसरी रैली में करीब 50-60 हज़ार लोग आए। 1999 की जो रैली हुई उसमें फिर पुलिस केस भी हो गया हम लोगों पर और रसू जैसे गोले भी छूटे, और उसमें भी करीब 1 लाख लोग यहाँ दिल्ली में आए। उसके बाद में ये संख्या बढ़ती चली गई, और बढ़ने के बाद में इस महासंघ के माध्यम से रामलीला मैदान में करीब ये समझो कि 5 लाख तक की भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर पहली रैलियों का किया गया। उसमें मेन उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी थी उन नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा था, उन नौकरियों को कैसे बचाया जाए। तो संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 संशोधन जो संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए पार्लियामेंट में, और वो जो आंदोलन लड़ा गया उस आंदोलन की जिम्मेदारी इस महासंघ के कंधों पर। इसके बाद में जैसा होता है जनरली थोड़ा घना गड़बड़ी हो जाती है, महासंघ के जो चेयरमैन हमारे थे रामराज जी विद्युतराज जो विधानसभा लोकसभा के MP हैं, उन्होंने क्या किया कि जब उनको गलतफहमी हुई कि अब तो पूरा देश का समर्थन हमारे साथ, तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी फ्लोट कर दी, तो सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो इधर रह गए यहाँ जहाँ बैठे हैं, और रामराज जी अकेले उधर चले गए। उसके बाद में 10 साल तक जब उनका कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर BJP का क्या दामन थाम लिया, और वो BJP के समय लोकसभा के MP हैं। तो यहाँ भी जो लोग बैठे हैं इनमें भी बहुत लोगों को ऑफर आई कि आप लोकसभा में आ जाओ, हमारे साथ ज्वाइन करो। तो हम लोगों ने कहा यार हमें तो अपना समाज का आंदोलन चलाना है, और जो आंदोलन चलाने में अब जो ये भीम आदमी का इशू आया, तो हमने अभी तालकटोरा में अपना उस दिन कार्यक्रम था, तो उस दिन अपील किया, 2,24,000 रुपया उस दिन इकट्ठा हुआ। उसके बाद फिर और उसमें पैसा मिलाया, फिर जिस दिन 18 जून को हमारे बालाग्राम साहब ने यहाँ मीटिंग की पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, वहाँ मतलब 55 परिवार थे, 10-10 हज़ार रुपया हमने उनको वहाँ पर सबके सामने दिए, और एक एक शॉल बांटा। उसके बाद में फिर शाम को वहाँ पर कौशाम्बी बोध बिहार में हो गए, तो 5,75,000 शायद वहाँ इकट्ठा हुआ था। फिर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ कराया, फिर हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, तो लंदन वाले लोगों को हमने कहा यार आप आओ, 2,75,000 रुपया वो लेकर आए। तो वहाँ सहारनपुर के जिला कलेक्टर की उपस्थिति में, STM की उपस्थिति में वो पैसे वहाँ पे जिनके हाथ वाथ चोट, तो मैं खुद ही गया था बंटवाने। फिर अमेरिका में जो हमारा संगठन काम कर रहा है वो आए, उन्होंने 1.5 लाख रुपया। फिर मैंने बालाग्राम जी को भेजा उस दिन, मैंने कहा यार आप डायरेक्ट दिलवा दीजिएगा, मेरा उस दिन जाना नहीं हुआ। तो कुल मिला के 16.5 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग, और खाने पीने का सामान तो यहाँ भरा पड़ा, ख़राब भी हो गया, कपड़े तो भरे पड़े हैं, कपड़े तो यहाँ हैं भी भरे पड़े, पूरा गोदाम भरा पड़ा है, बर्तन भरे पड़े हैं, लेकिन खाने का सामान एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो कलेक्टर ने इजाज़त नहीं दी, वो सामान खराब हो गया। फिर हमने कहा यार जिसको जल्द खाना मिले, फिर हमने ही बंटवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे चेयरमैन इंजीनियर BS भारती साहब जो बैठे हुए हैं, आप CPWT में इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हैं, वहाँ की जो एसोसिएशन है उसमें 1.5 लाख SC ST कर्मचारी है, आप उसके राष्ट्रीय चेयर महासचिव हैं और महासंघ के चेयरमैन। इससे पहले इंडियन रेलवे के जहाँ 3.5 लाख SC ST अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, देश के चेयरमैन थे। ऐसी समय समय चेयरमैन हमारे जो है ना विभाग के अनुसार कई बार बदलते चले गए। तो इस महासंघ का परिसंघ का जो उद्देश्य है, देश के साथ हो रही जालसी जो भी, जैसे अब ये हुआ तो आपका 250-400-500 पेज का चिट्ठी हमने बनाया, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको दिया जो भी, और इनको बालाग्राम जी को हमने अधिकृत किया, महासंघ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है हमारे, इनको अधिकृत कर रखा है कि भाई देखो हमने तो दो बार कोशिश कहा कि चलो चल के मिल के आते हैं वहाँ पे चंद्रशेखर भाई से, फिर एक दो बार हमें नहीं मिला, फिर एक दो बार हम देहरादून गए तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, बात नहीं बन पाई। फिर भी हमने कहा जो हमारा एक आदमी वहाँ पर ऑलरेडी एसोसिएटेड काम कर रहा, दिन रात काम कर रहा है, तो ऐसा है कि फिर बार बार वहाँ भी ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, समझ रहा है। और जो भी मैसेज इधर से उधर से आता है उसको हम लोग भी आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आप लोगों के साथ में पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा। और देखिए हम लोगों की लिमिटेशन है, देखिए जब हमारी एक भेंट हुई थी चंद्रशेखर जी के साथ में, तो हमने उनको कहा था कि दुनिया आपको सलाह देगी लेकिन आपको वो बात माननी है जो आपको सूट कर रही है, क्योंकि सलाह देने वाले इस कौम के अंदर थोक के भाव हैं। तो
तो उस दिन हमारी एक मुलाकात छोटी सी हुई थी और हमने उनको ये भी कहा था कि देखो हमारी लिमिटेशन से हम सरकार की नौकरी में अधिकारी हैं, उसके बावजूद यहाँ आंदोलन चला रहे हैं तो हमारी अपनी लिमिटेशन है, आपकी लिमिटेशन नहीं है, तो हम एक सीमा में आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने बात और उसी सीमा में हमने सपोर्ट किया बालक राम क्योंकि सरकार की नौकरी में नहीं है, इसलिए हमने उनको अधिकृत किया कि आप भाई पूरा कोऑर्डिनेशन करो। और मुझे लगता है कि जितना सपोर्ट उनका रहा है बालक राम साहब का, इतना सपोर्ट मतलब मैं कहता हूँ कि जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। तो ये हमारा थोड़ा सा संक्षिप्त जो है क्योंकि आपस में एक दूसरे का परिचय है, पर मेरा निवेदन आप लोगों से देखिए ये है कि जो काम अब तक हुआ है, आप देखिए आज हमने जो चिट्ठी दी है उसमें ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद में बेल दे दिया तो आप हमारे भाई को आपने जो राजस्व का लगाया है धन्यवाद। कल हमने राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन को भी दिया, जो भी वीडियो चल रहा था दोनों को दिया है, आज प्रधानमंत्री को दिया है, तो हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा पूरा समर्थन जो हमारी सीमा है, शब्द है सीमा है, भाई 16.5 लाख रुपए हम पे बने होंगे जो कि रिकॉर्डेड है, उसका वीडियो भी रिकॉर्डेड है, धन्यवाद। सब लोग साक्षी हैं, सबके सामने बांटे, ऐसा नहीं क्योंकि धन्यवाद लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया सहारनपुर के नाम पर, लेकिन जरूरतमंद लोगों के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, तो जो जहां गड़बड़ी हुई। तो हम तो क्या है कि जितनी जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं हम आपके साथ हैं, तन से मन से धन से कोई भी जिम्मेदारी अगर हमारी लगी है तो हमने उसको निभाया, आगे भी हम आपको विश्वास देते हैं कि आपको पूरा समर्थन, और कोई शर्त नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक ठीक भाई, हमारे को शर्त थोड़ी है, हमें ना लोकसभा में जाना है, हमें लोकसभा में जाना होता तो रामदास सर पहले पहुंच जाते, हमें लोकसभा में जाना हो तो 2010 में चले जाएंगे, नहीं समझे बात है, इतना काम तो हम लोगों ने कर रखा है। लेकिन हम सोचते हैं गरीब समाज को के साथ न्याय कैसे हो, हमारा समाज के साथ में जस्टिस कैसे रिस्टोर हो। तो आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उसे उसमें लगे रहो, करते रहो। और हमारी कोशिश भी है कि भाई चंद्रशेखर जी गृह मंत्री जी से हमने पिछले दिनों बात की, उन्होंने कहा था बालक राम जी ने कि जरा होम मिनिस्टर से हमारे थोड़ा सा संबंध है, तो हमने होम मिनिस्टर से ये कहा साहब ऐसा है कि अब ये जो राशु का लगा है ये गलत है, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ, इसमें देखते हैं। मैंने कहा सर इसमें रास्ता निकालो, आप होम मिनिस्टर हो, आपके अंडर में सारा है आपका, क्योंकि आप भी ठाकुर हैं और चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर है, दोनों एक ही बिरादरी के आदमी हो, तो उसमें भी उस लाइन पर भी हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होंगी, आंदोलन खड़ा होगा और इस आंदोलन में हम सब लोग मिल करके सफल होंगे।